हम सभी ने रामायण में हुए युद्धों के बारे में सुना है। हम सब ये भी जानते हैं कि हनुमान जी ने हर युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी, चाहे वो उनका अहिरावण से युद्ध हो या फिर उनके बेटे मकरध्वज से युद्ध हो। पर इन्हीं युद्ध के कथाओं में ना एक युद्ध की कथा ऐसी भी है जो छुप कर रह गई। लोग नहीं जानते हैं कि हनुमान जी का रावण से भी आमना सामना हुआ था और इनके युद्ध में एक शर्त रखी गई थी। और वो शर्त कौन जीता था, ये शर्त क्या थी, ये जानेंगे हम तथास्तु की आज की वीडियो में। जब रावण को ये लगने लगा था कि उनकी सेना हारने लगी है तो उन्होंने युद्ध भूमि में उतरने का फैसला किया था और वहाँ पर उनका सामना हुआ था हनुमान जी से। उन्होंने हनुमान जी के सामने ये शर्त रखी थी कि हम दोनों ही महाबलशाली हैं, तो क्यों ना एक मुक्का युद्ध रखा जाए, जिसका भी मुक्का ज्यादा तेज होगा और यदि दूसरा व्यक्ति गिर जाता है तो पहले वाला व्यक्ति जीत जाएगा। हनुमान जी ने ये शर्त मान ली और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ही ये कोशिश क्यों नहीं करते। तब रावण को लगा कि उन्हें मौका मिल गया है, तो उन्होंने हाथ उठाया और बहुत जोर से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी को जरा सी पीड़ा तो हुई थी पर वो टस से मस नहीं हुए। अब हनुमान जी की बारी थी, उन्होंने भी उसी ताकत के साथ रावण पर प्रहार किया था और रावण प्रहार के बाद हिलकर रह गए, जिसके बाद उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपके पास बहुत ताकत है। हनुमान जी को लगा कि ये तो बस केवल हिले हैं, शायद मेरी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं इसलिए ये गिर नहीं पाए। तब रावण ने कहा कि आपको पता ही नहीं कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। ये सब महसूस करने के बाद रावण ने ये फैसला कर लिया था कि वो युद्ध भूमि में किसी से भी युद्ध करेंगे पर हनुमान जी के सामने दोबारा नहीं आएंगे, उनसे युद्ध नहीं करेंगे। और ये थी वो शर्त और ये थी वो कथा जिससे हमें पता चलता है कि हनुमान जी और रावण का भी आमना सामना हुआ था और इनके बीच भी घोर युद्ध हुआ था। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी और कथाओं को जानने के लिए जुड़े रहे तथास्तु।